अगली खबर में बात करते हैं बहराइच की, जहां कलेक्ट्रेट पहुंचे चौक बाजार एसोसिएशन के पदाधिकारियों व व्यापारियों ने डीएम को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उनका कहना है कि बहराइच महापरियोजना के तहत चौड़ीकरण के व्यापारियों की दुकान टूट जाएंगी, इससे व्यापारियों की रोजी रोटी पर भी संकट आ जाएगा। ऐसे में जिला प्रशासन इस पर विचार करें। इसको लेकर ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा महापरियोजना 2031 जिला प्रशासन द्वारा लागू किया गया है। इसके लिए प्रशासन ने शहर के पीपल तिराहा के तिकोनी बाग चौराहा तक 30 मीटर चौड़ाई दोनों तरफ लेने की बात की है, इससे सभी दुकानें टूट जाएंगी। महायोजना को लेकर व्यापारियों का कहना है कि मार्ग की चौड़ाई ना बढ़ाई जाए। आज आप लोग डीएम साहब से मिलने आए हैं, आखिर क्या वजह है जो आप लोग को इतनी बड़ी संख्या में? जो प्रस्तावित चौड़ाई है आपकी पीपल चौराहे से और चांदपुरा के बीच में, वो 30 मीटर कर दी गई है, जिसकी वजह से सारी दुकानें लगभग आंशिक और पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी, जिससे हम लोग सारे ही आदमी लगभग बेरोजगार हो जाएंगे, किसी की रोजी रोटी का कोई भी साधन नहीं बचेगा। इस चीज़ के विरोध में कि हमको जिस तरह से पीपल चौराहे से आपने चांदपुरा तक 15 मीटर रखा है, उसी के अंतर्गत हमको भी रखिए कि हम लोग की रोजी रोटी ना छीने और हम लोग बेरोजगार रहो। हम लोग 3 पुश्तों से वहाँ काम कर रहे हैं, कोई 2-4 पुश्तों से वहाँ पे काम कर रहे हैं, और एकदम से अगर बेरोजगार हो जाएंगे तो आगे हम लोग के पास क्या रह जाएगा काम करने के लिए? कई लोगों के तो लगभग घर भी जा रहे हैं उसमें। आपका नाम? फजलुर रहमान। आज आप लोग बड़ी संख्या में डीएम साहब से मिलने आए हैं, क्या मामला है, किस लिए आए हैं? हमारी दुकानें जो है वहाँ से तिकोनी बाग से और यहाँ तक 30 मीटर जो है इन्होंने लिया है, ये आवेदन गलत है, जबकि सारी दुकानें जो हैं वो पीपल चौराहे से और वहाँ तक 15 मीटर लिया चांदपुरा तक, तो फिर यहाँ पर 30 मीटर क्यों लिया? हम लोग अवैध तो है नहीं, हम लोग के पास ज़मीन का नाम पट्टा है, सब कुछ है, उसके बाद फिर हमारे साथ ये ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है? तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं जितना उधर बनाया है 7.5 फुट, उतना इधर भी रखें 15 मीटर।